प्रदेश के हालातों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के अधिकारियों से चर्चा की है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। जी सर, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा की है, फीडबैक लिया है, इससे पहले सांसदों और विधायकों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और इस दौरान कुछ शिकायतें भी मिली थी। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी जो है जल संकट नहीं हो, क्योंकि गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है और जिस तरह से आपने कल भी देखा होगा तमाम सांसदों और विधायकों ने पेयजल संकट को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया था, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने कल ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वे जल्द ही जो है जलदाय विभाग के आला अधिकारियों से बैठक करेंगे और वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने तमाम जो जिले हैं, जो कस्बे हैं जहां पर पेयजल संकट की समस्या रहती है, क्योंकि सरकार के पास तमाम वो लिस्ट सूची है पहले से ही तैयार कि कहां कहां पर पेयजल का जो समस्या रहती है, वहां पर सरकार ने स्पेशल उनको एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ में जिला कलेक्टरों को 50-50 लाख का अलग से फंड भी पहले से जारी किया हुआ, कंटेंजेंसी प्लान जारी किया जाता है, वो आवंटित किया जा चुका है जिससे कि कहीं भी पेयजल संकट हो या अन्य कोई समस्या हो तो वो उस पैसे को खर्च किया जा सके। जलदाय विभाग के भी आला अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं पे भी पेयजल संकट की समस्या नहीं गहरानी चाहिए, भले ही कहीं पे पानी की सप्लाई हो रही हो नहीं हो रही हो तो वहां पर टैंकरों सप्लाई की जानी चाहिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और ऐसे मौसम में पानी की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, पानी को लेकर कई बार लोगों को रास्ते भी रोकने पड़ जाते हैं, तो ऐसे समय में मुख्यमंत्री नहीं चाहते, क्योंकि कोरोना का जो चल रहा है, महामारी चल रही है, उस दौरान लोग पानी के लिए सड़कों पर नहीं आने चाहिए, घर से बाहर नहीं आने चाहिए, इसलिए पहले ही पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए और जिन इलाकों में टैंकरों से सप्लाई शुरू नहीं हुई है और पानी की डिमांड आ रही है वहां पर टैंकरों से सुचारू रूप से पानी की सप्लाई किए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। इस जो वीसी के दौरान जो है जलदाय मंत्री बीडी कल्ला भी उनके साथ मौजूद रहे, जलदाय विभाग के अन्य जो सेक्रेटरी है वो भी मौजूद रहे और जो फील्ड में जो अधिकारी को फेस करते हैं उन्होंने भी अपने आला अधिकारियों से बता दिया कि कहां पर क्या समस्या आ रही है। कुल मिलाकर इन गर्मियों के जो मौसम है, सीजन है, इसमें कहीं भी पेयजल का संकट नहीं रहना चाहिए, इसको लेकर सरकार बड़ी गंभीर है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़े और जहां भी जो जरूरत हो लोगों को किसी भी तरह से, चाहे टैंकरों के माध्यम से चाहे कई अन्य माध्यम से पानी की सप्लाई की जानी चाहिए। आशीष जी, इसके अलावा सभी जिलों के जिला कलेक्टर से उन्होंने चर्चा की है, फीडबैक लिया है, किस प्रकार के राहत कार्य किए जा रहे हैं, किस प्रकार की सैंपलिंग के कार्य किए जा रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर भी चर्चा की गई है विस्तृत रूप से। देखिए, बिल्कुल, जिला कलेक्टर और जो पुलिस अधीक्षक है उनसे तो कोरोना को लेकर फीडबैक लिया गया कि हालात किस तरह है, लॉकडाउन को लेकर क्या पालना हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन फॉर जैसे कि कल पीएम मोदी ने संकेत दिए थे अपने स्पीच में, उसके बाद लग रहा कि जो लॉकडाउन फोर है उसमें कुछ रियायतें मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मास्क लगा के, सैनिटाइजर करके और 2 गज की दूरी पर लोगों को काम स्टार्ट करने पड़ेगा, जिंदगी अब पटरी पर आना आएगी, उसी को लेकर उन्होंने सब तमाम बातों का फीडबैक लिया कि जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार जो है कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, उन इलाकों को छोड़कर अन्य जो जिले हैं ग्रीन जोन के जो जिले हैं वहां पर, क्योंकि अब जो है लॉकडाउन खुलेगा तो व्यापार भी चालू होगा, काम धंधे भी चालू होंगे, तो तमाम बातों को लेकर फीडबैक लिया गया है और साफ तौर पर कहा गया कि जो भी गाइडलाइन, क्योंकि अभी गाइडलाइन आई नहीं है केंद्र सरकार की, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार ही राजस्थान सरकार भी अपनी गाइडलाइन जारी करेगी और उसका सख्ती से पालन कराना पुलिस अधीक्षक का, जिला कलेक्टर का दायित्व है, एसडीएम तक के स्तर के लोगों से भी उन्होंने बातचीत की है, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है और इस विषय में, क्योंकि कोई कोताही नहीं बरती जा सकती, लॉकडाउन फोर को लेकर सरकार को पहले से ही पूरी तैयारी करनी है और जिस तरह से उन्होंने मॉडिफाइड लॉकडाउन चालू किया, लागू किया था, राजस्थान में जो उद्योग धंधे चालू हुए हैं तो रोजगार मिलने लगा है, लोगों को काम मिला है, आपने देखा होगा बाजारों में भी काफी स्तर तक दुकानें खुलने लगी है, तो आने वाले जो 18 तारीख बाद है, जो केंद्र सरकार की क्या गाइडलाइन आती है, उन तमाम बातों को लेकर चर्चा की गई है और अधिकारियों से कहा गया है कि जो गाइडलाइन है उसका फॉलो किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी श्रमिक जो सड़क पर चलता हुआ नजर आए तो उसको या तो क्वारंटाइन किया जाए
और नहीं तो उसकी जो जिस प्रदेश का वो रहने वाला है उस सीमा तक उसको बसों से छोड़ा जाए। तो आपने देखा होगा आज काफी श्रमिकों की संख्या कम नजर आई है सड़कों पर, यदा कदा ही कोई श्रमिक नजर आया हो, बाकी जगह जगह जो बसें लगाई गई थी उनके माध्यम से श्रमिकों को उनके गंतव्य तक या बॉर्डर तक छोड़ने का काम किया गया है, कई श्रमिकों को क्वारंटाइन भी किया गया है। आशीष जी, नीरज जी, अंतिम सवाल आपसे ये है कि कल मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री ने की थी, सभी सांसदों से विधायकों से उन्होंने विचार विमर्श किया था, इस दौरान बहुत सारे सांसदों ने विधायकों ने प्रशासन के अधिकारियों की प्रशंसा की थी, लेकिन कई जगह से शिकायतें भी सामने आई थी प्रशासनिक अधिकारियों की, तो ऐसे में आज अधिकारियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है वो कई मायनों में अहम है। बिल्कुल आशीष, मैं बता दूं कि जिन अधिकांश जो सांसद और विधायक थे उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की तारीफ की, थाना अधिकारियों की भी तारीफ की, लेकिन कहीं ना कहीं एसडीएम को लेकर, उपखंड अधिकारियों को लेकर उनकी शिकायत थी कि वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, उनको जवाब नहीं दे रहे। बहुत सारे विधायकों का कहना था कि जो मौके पर फील्ड में काम करने वाले हैं उन अधिकारियों के कारण कहीं भी सरकार को जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इस बैठक में मुख्यमंत्री ने तमाम जिला कलेक्टर से कहा कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, जो जनप्रतिनिधि है चाहे एमएलए है चाहे सांसद है उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जनता का काम ही करने जा रहे हैं। ऐसे में जो उपखंड अधिकारी तहसीलदार है या अन्य जो अधिकार है एडीएम है उन तमाम लोगों को इन जो जनप्रतिनिधि है उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनकी बात माननी होगी, और जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ भी उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश किया कि कोई इस तरह का कोई मामला सामने आए तो उनको सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि किसी भी अधिकारी को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह से बर्ताव करे जिससे कि जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। और कहीं ना कहीं जो सरकार कदम उठा रही है, क्योंकि जिस तरह के कदम सरकार ने उठाए यदि उन कदमों का फायदा आम जनता को नहीं मिलेगा और जनप्रतिनिधि जब उन कामों को करने के लिए जो अधीनस्थ अधिकारी है उनको कहेगा और अधिकारी उसको सुनवाई नहीं करेंगे तो आखिरकार फिर उसका फायदा कैसे मिलेगा। तो इन्हीं बातों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तमाम जो कलेक्टर्स थे एसपी थे उनको कहा कि जो भी अपने निचले पायदान के अधिकारी तमाम लोगों तक सरकार के निर्देश साफ और स्पष्ट जाने चाहिए, उसका फायदा आम आवाम को मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधि की भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। आशीष बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने अपडेट दी कि मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के